तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स फॉर लो एंड पीसी, इवन पोटेटो पीसी, जैसे कि 1.5 GHz, 1.4 GHz प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, जो उतने भी लाइक लो कबाड़ो पीसी में भी चला सकते हो ये ओपन वर्ल्ड गेम्स। नॉर्मली ओपन वर्ल्ड गेम बड़ा भी होते हैं, लाइक अगर आप ऑफिशियली GTA San Andreas डाउनलोड करेंगे विदाउट कंप्रेस्ड सो आपको 9 GB के आसपास मिलने वाला है, पर मैं जो गेम बताने वाला हूँ नॉर्मली उसके साइज ही बहुत कम है, मे बी अंडर 1 GB भी आपको मिल सकता है। तो चलते हैं गाइस हमारी नंबर 1 गेम पी, लाइक लिस्ट में नहीं पर हमारा वीडियो का नंबर 1 गेम है, सो लेट्स जस्ट, मेरी भी फेवरेट है यार, और लेट्स चाहते हैं यार, भाई क्या बोल रहा हूँ यार। ओके सो फर्स्ट गेम जाती है दो है द एल्डर स्क्रोल ओब्लिवियन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक हिस्टोरिक गेम है, एक ओल्डन जो भी एज में सेट है, एक सेंचुरी, ओल्ड सेंचुरी में सेट है, लाइक माफिया से भी पहले मुझे लग रहा है, हाँ को लाइक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड। सो एल्डन रिंग की गेम प्ले आप देख चुके होंगे, एल्डन रिंग जो अब न्यूली आया था वो ना हाई एंड पीसी के लिए लाइक बहुत ही हाई एंड, लिटरली 8 GB या फिर 16 GB स्टोरेज नहीं रैम चाहिए यार, तो सोच लो कितनी बड़ी पीसी चाहिए। पर ये जो मैं गेम है लाइक एल्डर स्क्रोल ओब्लिवियन वो लाइक बहुत ही ज़्यादा लो एंड पीसी का है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोच सकते भाई ये तो भैया एल्डन रिंग का पार्ट 1 भी हो सकता है तो भाई बड़ा है, बहुत ही छोटा है, कौन से भी इसमें चल जाएगा। सो मेक श्योर यू उसको जाके चेकआउट करना, मेरी फेवरेट है, मैं खेल चुका हूँ, बहुत ही मज़ेदार है अभी तक, वो बहुत ही पहले हुआ गेम है पर अभी तक बहुत ही मस्त है, सो जल्दी से जाके ट्राई करना, मे बी डाउनलोडिंग में लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके ट्राई करना। सो जल्दी से चलते हैं हमारे गेम नंबर 2 की, जो निकल के आता है फार क्राई 3 गाइस। सो गाइस आप लोग सोच सकते हो कि भाई फार क्राई 3 तो ये तो भैया हमको अच्छे से पता है, पर कुछ लोग को नहीं पता है, कुछ लोग ना फार क्राई 6 जो भी रीसेंट गेम है वही खेल चुके होंगे, ये नहीं खेल चुका है, बिकॉज ये फार क्राई सीरीज़ में इवन फार क्राई 6 से भी बेटर गेम फार क्राई में फार क्राई 3 ही है। तो ये जो गेम है गाइस ये भी ओपन वर्ल्ड है बट FPS गेम टाइप भी हो सकता है, जैसे कि लाइक ये फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, ये 2012 में आया था, यूबीसॉफ्ट पब्लिशर थे जो उन्हें बनाए थे, और ये जो है ये फार क्राई सीरीज़ में वन ऑफ द बेस्ट है, लाइक जो भी सेकेंड सीरीज है लाइक फार क्राई 2 एंड फार क्राई 3 थोड़े बहुत कनेक्टेड भी रहती हैं, आप जो भी स्टोरी देखेंगे, पर जो स्टोरी है गाइस अल्टीमेट है, जैसे कि मैंने खेला था बहुत ही मज़ा, आपको लाइक एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम भी चाहिए पर एक बड़ा गेम भी चाहिए और ओपन वर्ल्ड भी होना चाहिए, लाइक इसके अगर आपको स्टोरी लाइन में कंप्लीट करनी है ये गेम को तो ये आता है एटलीस्ट आपको 5 to 6 hours अगर स्टोरी में कंप्लीट करनी है, या फिर आप साइड मिशंस भी कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा एक्सप्लोर भी करना चाहते हो तो एटलीस्ट 8 hours तो हो ही जाएगा पूरा गेम को कंप्लीट करने में। ये गेम आपको स्टीम में मिल सकता है पर पैसा देना पड़ेगा यार, मैं ना आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फ्री में डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई वायरस है, नो वायरस, सुपर्ब साइट से मैं बताऊँगा, सो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दो। और चलते हैं हमारी थर्ड गेम पे, और थर्ड गेम आने वाला है एक बहुत ही बढ़िया गेम है। सो गाइस हमारे लिस्ट का नंबर 4 जो आता है वो है विचर बोल सकते हैं, द विचर। सो गाइस ये इतनी सक्सेसफुल गेम है कि भाई 3 गेम्स के आ चुके हैं, एक है विचर, एक है विचर 2 और विचर 3 वाइल्ड हंट। तो विचर 3 वाइल्ड हंट, विचर 2 विचर एनहांस्ड एडिशन भी है। सो गाइस देख सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा आपको ना ये बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल, ये भी सेम ही हिस्टोरिकल लाइक बहुत ही पहले हुई स्टोरी है, और जो भी इसकी लाइक जो भी गेम खेलो आपको पसंद आ जाएगा। तो जो पहली गेम है वो अच्छी खासी स्टोरी एक्शन पैक्ड हो सकती है, जो सेकंड गेम इसकी आती है वो थोड़ी बहुत बड़ी गेम है, और तीसरी बहुत ही बड़ी है। सो फर्स्ट गेम ही मैं रिकमेंड कर रहा जो है द विचर। सो विचर ये जो गेम है ये एक फैंटेसी एक्शन रोल प्लेइंग गेम्स है, CD प्रोजेक्ट रेड ने इसको बनाया भी है, डेवलप भी किया और पब्लिश भी करा है CD प्रोजेक्ट के टीम ने।
तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एक्शन पैक स्टोरी, और ये जो भी है वो एक हिस्टोरिकल बुक्स में सोच के ये जो भी गेम है बनाया है, और वन ऑफ द बेस्ट गेम है। और ये अगर आप पीसी में भी खेल सकते हो, मैक में भी खेल सकते हो, और ये वर्थ प्लेइंग है गाइस। आप लोग लाइक आप अच्छी खासी एक कॉम्बैक्ट एंड आरपीजी गेम ट्राई करना चाहते हो तो ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी गेम है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में देने में, बहुत ही अच्छा गेम है गाइस। मेक श्योर यू ट्राई, लाइक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई करो, बहुत ही अच्छा गेम है। अगर आपको एक एक्शन गेम चाहिए, एक रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसा भी, मुझे एक हॉर्स पे राइड करनी है, ओपन वर्ल्ड भी होना चाहिए, तो ये गेम आपके लिए है, जल्दी से जाके ट्राई करना। सो गाइस हमारा लास्ट गेम है ये, पर फिफ्थ गेम है, जैसे कि हमारा एक वीडियो का लास्ट गेम भी है, पर वन ऑफ द बेस्ट गेम है जो भी है सीरीज में, लाइक ये वीडियो में ही है, अच्छा गेम है यार। लाइक मैंने पता नहीं मैं इसको लास्ट में क्यों डाला, पर दिस इज़ द नंबर वन रैंकिंग गेम है इस वीडियो का। तो ये है गाइस सेंट्स रो द थर्ड। तो ये अगर आप आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टीम में जाके देख सकते हो, सेंट्स रो द थर्ड सर्च, लाइक गूगल में सर्च कर लो सेंट्स रो द थर्ड, स्टीम का वेबसाइट आ जाएगा, जाके सर्च करो, देखो, इन्फॉर्मेशन ले लो। पर मैं जितना मैं दे सकता हूँ मैं देता हूँ। तो गाइस अगर स्टीम में रेटिंग देखिए, सो 10/10 है गाइस, 10/10 ये गेम की रेटिंग है। अगर आप इसके लाइक स्टोरी देख सकते हो, तो ये भी एक गैंगस्टर बट थोड़ी बहुत सुपर पावर वाली गैंगस्टर्स हैं, और ये आया था 2011, एक्शन एडवेंचर गेम है, डेवलप्ड बाय वॉलिशन एंड पब्लिश्ड बाय THQ। और ये 2008 का सेंट्स रो 2 का एक जो भी कंटिन्यूशन है वो है। सेंट्स रो 2 भी बहुत ही अच्छा गेम है, लाइक लो एंड पीसी अच्छे में चल जाएगा, ये भी लो एंड पीसी अच्छा खासा चल जाएगा, पर सेंट्स रो 2 और भी अच्छा है, वो भी ट्राई कर लेना। और ये जो है डेवलपर, जैसे कि बोला वॉल्यूशन है, डीप सिल्वर है, सो वो बोलोगे तो आप पता चलेगा, डीप सिल्वर ना मेट्रो मेट्रो सीरीज जो भी गेम आए, मेट्रो एक्सोडस, मेट्रो लास्ट लाइट, मेट्रो 2033, हाँ वो जो गेम बनाए हुआ लाइक पब्लिश किए हुए हैं वो ही ये गेम को भी पब्लिश किया है। और ये गेम आई गेस आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, लो एंड पीसी ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर, देखो यार बहुत ही अच्छा है। और सेंट्स रो आपको पता ही भी है, पर ये थर्ड बहुत ही अच्छा गेम है, अगर आप लोग ये डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन देने के लिए जितना हो सके उतना ट्राई करता हूँ, अगर नहीं मिली तो उसके लिए मैं वीडियो भी बना देखता हूँ यार, मुझे लाइक और भी आपको जो भी वीडियो बनाने में सोच रहा हूँ, सो कमेंट करो गाइस, जो भी लाइक कौन से वीडियोस मुझे डालने चाहिए, कौन से गेम्स मुझे डालने चाहिए, और आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने मेरी जो अब से मैं वॉइस से डाल रहा हूँ, सो मेरी वॉइस अच्छी है या फिर मुझे कुछ चेंजेस करनी है मेरी माइक में, डू टेल मी इन कमेंट्स। सो आज के इस वीडियो में इतना।